हेलो दोस्तों, डॉग जंक्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोबारा से एक और टॉय डॉग ब्रीड के बारे में जिसका नाम है यॉर्कशायर टेरियर। ये डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है बाहर की कंट्रीज़ में, इंडिया के अंदर थोड़ी सी कम पॉपुलर है क्योंकि लोगों में इसकी अवेयरनेस नहीं है। लोगों दूसरी डॉग ब्रीड को ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे कि टॉय पॉम हो गया, कल्चर पॉम हो गया, या फिर हमारे फ्रेंच बुलडॉग हो गया, इस तरीके की जिनकी मेंटेनेंस कम होती है। ये थोड़ी ज़्यादा हाई मेंटेनेंस वाली डॉग ब्रीड है और इनका साइज बिल्कुल ही छोटा होता है। चिवावा से थोड़ा सा बड़ा लगा लो बस, और पग से छोटा ही होता है। मैक्सिमम केसेस में आपको ये पग से छोटे मिलेंगे हाइट में, तो ये काफ़ी ज़्यादा छोटी डॉग ब्रीड है और आप इन्हें ईजिली अपार्टमेंट में रख सकते हो। तो बाकी जानते हैं इस डॉग ब्रीड के बारे में कि ये डॉग ब्रीड में ऐसा क्या खास है जिससे कि आपको इस डॉग ब्रीड की तरफ जाना चाहिए। ये डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड होती है, टेरियर ग्रुप को बिलोंग करती है, काफ़ी अच्छे वॉच डॉग का काम आसानी तरीके से कर लेगी। आपको इसे ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है वॉच डॉग के लिए, लेकिन गार्ड डॉग काम में बिल्कुल नहीं कर पाई क्योंकि इनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। साथ में घर में दूसरे जो रैट्स घुस जाते हैं उनके ऊपर भी अटैक कर देगी, उन्हें भगा देगी, इतना काम ये बेखूबी कर लेगी। लेकिन जहाँ पे हम बात करते हैं कि ये बाकी डॉग्स के साथ, तो बाकी डॉग्स के साथ अगर आप बचपन से सोशलाइज़ करते हो तो अच्छे तरीके से रहेगी। अगर आप यूं ही ले आते हो और ये अपने डॉग को छोड़ देते हो और इन फ्यूचर आप कोई और डॉग ले आते हो तो आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी ये डॉग ब्रीड। ये इतना ज़्यादा बार्क करेगी उस डॉग के ऊपर और कई दिन तक उसके साथ एडजस्ट नहीं करेगी। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप पप्पी लेके आओ, यॉर्कशायर टेरियर या फिर और किसी डॉग ब्रीड का भी, तो भी आप बचपन से ज़रूर सोशलाइज़ कराना, वरना आपको इन फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी इन डॉग ब्रीड में। इसके अलावा भी काफ़ी और डॉग ब्रीड ऐसी हैं जो कि काफ़ी कम पॉपुलर हैं, जैसे कि बॉस्टन टेरियर हो गया। अगर आप चाहते हो इन तरीके की डॉग ब्रीड के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊं, या फिर और भी कई तरीके की जो स्मॉल साइज़ या टॉय साइज डॉग ब्रीड है जो इंडिया के अंदर इतनी पॉपुलर नहीं है और लोग उनके बारे में बात नहीं करते, अगर आप चाहते हो उनके ऊपर वीडियो है तो आप कमेंट कर देना, मैं उनके ऊपर भी वीडियो लाऊंगा। क्योंकि मैक्सिमम लोग ज़्यादातर यहाँ पर लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, रॉटवाइलर, डोबरमैन, इनके ऊपर ही वीडियो डालते हैं और यही चीज़ चलती है। तो अगर आप चाहते हो थोड़ा सा डिफरेंट कंटेंट लेना, कंज्यूम करोगे, तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा अगर आप पसंद करते हो तो। बाकी हम बात करते हैं यॉर्कशायर टेरियर, इजी टू ट्रेन डॉग ब्रीड है। आप इन्हें घर में ट्रेनिंग आसानी से दे सकते हो, सेट डाउन, हेलो, हाई फाई, स्पिन राउंड, बाकी और जितनी ट्रेनिंग देना चाहो उतनी दे सकते हो। काफ़ी एनर्जेटिक डॉग ब्रीड है। अगर आप वॉक पसंद करते हो, दिन में थोड़ा बहुत टहलने निकल जाते हो, सुबह भी, दिन में भी, शाम में भी छोटी छोटी वॉक करते हो, तो आपके लिए बेस्ट डॉग ब्रीड साबित हो सकती है। बाकायदा अगर आपके पास एक फार्म हाउस है तो भी रख सकते हो, इतनी एनर्जेटिक डॉग ब्रीड है, वहाँ पर पूरे फार्म हाउस में दौड़ के अपनी एनर्जी बर्न कर लेगी। फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हो या सेकंड टाइम डॉग ओनर हो, बेझिझक ले सकते हो, क्योंकि जिन लोगों को यॉर्कशायर टेरियर डॉग ब्रीड पसंद आती है वो मोस्टली इसी डॉग की तरफ जाते हैं। ईजिली रख के भी जाती है इनकी, बस थोड़ी सी ग्रूमिंग में आपको टाइम ज़्यादा स्पेंड करना पड़ सकता है बाकी डॉग के मुकाबले, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। अपार्टमेंट में भी ईजिली रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपका छोटा अपार्टमेंट है तो भी, और अगर आप लार्ज साइज़ के घर में रहते हो या फिर आपके पास फार्म हाउस है तो भी रख सकते हो, आपको एज सच प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी ये हॉट क्लाइमेट में भी इजीली रखी जा सकती हैं, लेकिन उस टाइम इन्हें इंडोर रखने की ज़रूरत है। अगर आप गर्मी के टाइम बाहर छोड़ दोगे अपने डॉग को तो उसके में हीट स्ट्रोक लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गर्मियों के टाइम इनके बाल झड़ते हैं, और एक बारी जैसे सीजनल हर डॉग के दो टाइम बाल झड़ते हैं, सेम इनके भी बाल झड़ते हैं उसी टाइम, तो उस टाइम इनकी ग्रूमिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। बाकी अगर आप नॉर्मल इनका हेयर कट करा के रखोगे तो इन्हें प्रॉब्लम नहीं आती गर्मियों के टाइम भी, और सर्दियों के टाइम अपने एक लेयर पहना सकते हो कपड़ों की, इनके कोट क्योंकि ज़्यादा डेंस नहीं होता, लंबे बाल होते हैं बस, तो ये चीज़ हो जाती है। बाकी इन डॉग ब्रीड का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो 15 ईयर से प्लस ही होती है, और जो फीमेल होती है वो 1-1.5 साल ज़्यादा जीती है मेल के कंपैरिजन में, यॉर्कशायर टेरियर के केस में, और बाकी भी कई डॉग ब्रीड हैं जिनमें फीमेल ज़्यादा जीती है, तो ये चीज़ हो जाती है। बाकी अगर आप मेल लेना चाहते हो मेल ले सकते हो, फीमेल लेना चाहते हो फीमेल ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं एक केस बता रहा हूँ जिनमें कि फीमेल थोड़ा सा ज़्यादा जीती है एज़ कम्पेयर टू मेल, ठीक है। बाकी इनके एक्सरसाइज का आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि एक एनर्जेटिक डॉग ब्रीड है, आपके साथ पूरे टाइम खेलना पसंद करेगी, घर में भी, बाहर लेके जाओगे वॉक पे भी। अगर आप घर में ही रखते हो, आप बाहर लेके जाना नहीं चाहते अपने डॉग को, घर में ही रखते हो, तो आप घर में भी खिला सकते हो, आप बॉल फेंक सकते हो, फैच का गेम खेल सकते हो, और इनके साथ थोड़ा घर में दौड़ा सकते हो अगर आपका घर थोड़ा सा बड़ा है या फिर आपके पास स्पेस है, सीढ़ियों में ऊपर नीचे कर सकते हो जिससे कि आपके डॉग की एनर्जी बर्न होए और वो ढंग से सो सके, तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो। बाकी इनके आप मेन चीज़ पे आते हैं जो है इनका प्राइस, तो इन डॉग ब्रीड का जो स्टार्टिंग प्राइस होता है वो 20,000 से प्लस में ही होता है,
और कई केसेस के अंदर तो ये और भी ज़्यादा प्राइस में मिलते हैं, तो वो डिपेंड कर जाता है इनके ब्लड लाइन के ऊपर, इनकी क्वालिटी के ऊपर। हर एक डॉग का जो क्वालिटी होती है वही उनके प्राइस को डिफाइन करती है, जितना ज़्यादा प्राइस दोगे। या फिर कई केसेस में क्या होता है कि कई जो होम ब्रीडर होते हैं वो कम रेट में भी दे देते हैं आपको अच्छी क्वालिटी का पप्पी, तो आप कोशिश करो कि आपको अगर अच्छी क्वालिटी का पप्पी मिल रहा है तो आप वहाँ से लो। बाकी ये डॉग ब्रीड काफ़ी अच्छी डॉग ब्रीड है, अगर आप रखना पसंद करते हो, थोड़ी सी ग्रूमिंग पे टाइम स्पेंड कर सकते हो तो आप इजीली रख सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। शिट्सू और इसमें भी एक कंपैरिजन वीडियो बन सकती है, अगर आप चाहो तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा, तो कमेंट कर देना अगर आप लोग चाहते हो तो। बाकी आप लोग ये बताना आपको यॉर्कशायर टेरियर डॉग ब्रीड कैसी लगती है, अगर पसंद है तो बताओ, नहीं पसंद है तो बताओ, और अपनी फेवरेट डॉग ब्रीड कमेंट ज़रूर करना। मेरे पास पर्सनली कल्चर पॉम है तो मैं आपको उसके बारे में भी बता सकता हूँ, अगर आप कल्चर पॉम के बारे में पूरा जानना चाहते हो कि किस तरीके के होते हैं कल्चर पॉम, कल्चर पॉम में भी काफ़ी ज़्यादा वराइटीज़ आती हैं और क्या क्या वराइटीज़ होती हैं, क्योंकि लोगों को लगता है खाली कल्चर पॉम एक टाइप हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, कल्चर पॉम में भी आपको अलग अलग फेस टाइप देखने को मिलते हैं। तो अगर आप चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि कल्चर पॉम में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद दोस्तों।